हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वेलफेयर स्टडी बैंक एग्जाम के सेशन में, जहां पे मैं आंचल सिंह आपके साथ कर रही हैं ये सीरीज 500 एरर डिटेक्शन की, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं 500 एरर डिटेक्शन। 500 एरर डिटेक्शन की अगर बात की जाए तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो हमने 300 क्वेश्चंस आराम से कर लिए हैं काफी सारे दिनों में, राइट। पिछले 15 दिनों में हमारे 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आने वाले 15 डेज में हमें 200 और क्वेश्चंस करने हैं, तो हमारी जो ये 500 एरर डिटेक्शन की सीरीज है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो कल के सेशन में हमने किया था, हाय आकांक्षा गुड आफ्टरनून। तो कल के सेशन में हमने किया था 500 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन नंबर 275 से 300, राइट, एंड दैट वॉज आवर डे 12। आज है हमारा डे 13, टूडे इज डे 13, एंड टूडे वी विल बी डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 301 टू क्वेश्चन नंबर 325, राइट। हाई कौशल गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अन अकेडमी पे आंचल मैम को जाके फॉलो करना है बाई टाइपिंग माई नेम ANCHALSINGN, जी हाँ बिल्कुल। और फॉलो करने से क्या होगा, फॉलो करने से जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो आप अवेल कर पाओगे, वो आप कर पाओगे, राइट, अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे। साथ ही अगर आप मेरे चैंपियनशिप बैच #championshipbatch को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज ANLIVE। इसको यूज कैसे करेंगे और चैंपियनशिप बैच क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको अपने चॉइस ऑफ एग्जाम को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट कर लेते हैं आपके पास प्लान्स आ जाएंगे, उनमें से प्लान्स को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई प्लान 6000 का है फॉर एग्जाम्पल, राइट, यहाँ पे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट हो जाएगा और आपकी फीस बन जाएगी 5400। लेकिन ये होगा कैसे, ये तब होगा जब आप यहाँ पे मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, ओके बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन क्लिक करेंगे आपको ये फीस मिल जाएगी 12 मंथ्स के कोर्स में, राइट। अब स्केड्यूल देख लेते हैं एक बार, क्या स्केड्यूल है हमारा। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जो कि एक यूट्यूब चैनल है और बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। 10 AM to 11 AM प्लस की क्लासेस होती है हमारी, राइट। 11:30 to 1:30 PM अनअकैडमी पे सेशंस होते हैं हमारे हर रोज, जो कि फ्री सेशंस हैं। इन्हें हम कहते हैं स्पेशल क्लासेस क्योंकि ये एक्चुअली स्पेशल होती हैं। हाय रिया गुड आफ्टरनून। तो ये क्लासेस भी आप कर सकते हैं। 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी एग्जाम के चैनल पे मंडे टू फ्राइडे हम जुड़ते हैं डेफिनेटली। 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप जस्ट इंग्लिश चैनल पे मेरे साथ सेशन में जुड़ सकते हैं, ताकि हम इस सेशन को एक बहुत ही अच्छा सेशन बना सके, राइट, अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सके। अब व्हाट इज चैंपियनशिप बैच। चैंपियनशिप बैच इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर IBPS PO मेंस एंड RRB PO मेंस। जो बच्चे IBPS PO और RRB PO मेंस के एग्जाम में एग्जाम देने वाले हैं ये बैच उनके लिए है। तो अभी तो PO के एग्जाम्स बाकी ही हैं, बट फिर भी RRB के एग्जाम्स क्योंकि हो चुके हैं तो जिनको भी तैयारी करनी है वो एक कंप्लीट चैंपियनशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं हिमांशु सर, क्वांट्स पढ़ाने वाले हैं प्रबल सर, इंग्लिश मैं आपको पढ़ाऊंगी, अवेयरनेस की क्लासेस आपको प्रीति मैम कराएंगी, IT की क्लासेस कराई जाएगी अंकित सर द्वारा। कोड यूज करना है आपको एनरोल करने के लिए ANLIVE, राइट। जैसे ही आप इस कोड को, हाई स्नेहा गुड आफ्टरनून, जैसे ही आप इस कोड को लगा के एनरोल करोगे आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 18 नवंबर से सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, बैच स्टार्ट हो चुकी है, बट आंचल मैम की क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। आंचल मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है 30 नवंबर से। सो मैं हमेशा कहती हूँ दैट व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, हमेशा एक ऊपर लेवल से प्रिपेयर कीजिए, यानी कि मेंस के लेवल से प्रिपेयर कीजिए। प्रिलिमिनरी आपका स्ट्रैटेजिक होता है, प्रिलिमिनरी आपकी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, बट मेंस के लिए अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस के लिए आपको समय बहुत कम होता है, राइट, मेंस के लिए समय बहुत कम मिलते हैं आपको, तो मेंस की प्रिपरेशन करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि फाइनल एग्जाम हमें निकालना है, राइट। ये है, देख सकते हैं आप यहाँ पे चैंपियनशिप बैच, अनअकैडमी के ऐप पे आप जाइएगा, चैंपियनशिप बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी इस बैच को ज्वाइन कर लिया है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द बैच, ओके। तो अगर एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। हाय अक्षय गुड आफ्टरनून। तो चलिए आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। 301 से लेके 325 नंबर तक हमारे क्वेश्चंस हैं आज। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। फॉर अ मर्जर और एनी अदर रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन पब्लिक सेक्टर बैंक फेसेस द फॉरमोस्ट चैलेंज
ऑफ एन अक्यूट टैलेंट डेफिशिएंट एंड एब्सेंस ऑफ द राइट पीपल इन सफिशिएंट नंबर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन। ये बताना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 301 में क्या है सही आंसर। फॉर अ मर्जर और एनी अदर रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेसेस द फॉरमोस्ट चैलेंज ऑफ एन अक्यूट टैलेंट डेफिशिएंट एंड एब्सेंस द राइट पीपल ऑफ द राइट पीपल इन सफिशिएंट नंबर्स, वेयर डज द एरर लाई। पार्ट टू, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी वेल आंसर्ड एंड वेरी क्विकली आंसर्ड। यहाँ पे क्योंकि बैंक्स लिखा हुआ है तो बैंक्स इज अ प्लूरल टर्म हियर, तो यहाँ पे फेसेस का यूज नहीं होगा, वी विल यूज वर्ब एज प्लूरल एंड यहाँ पे हम उसको कर देंगे फेस, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड अक्षय शरीफ, वेरी गुड रिया रॉय, नहीं बच्चे रिया गलत आंसर है। तो जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट गो एंड लाइक द सेशन एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेरी गुड, वेल आंसर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन करेंसी ऑफ लीस्ट डेवलप्ड डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस हैव बीन कॉन्स्टेंटली डेप्रिशिएटिंग विज़ द अमेरिकन डॉलर, वेयर डज द एरर लाई। Since the advent of globalization, currency of least developed, developing and emerging economies, barring a few exceptions, have been constantly depreciating with reference to, अगर हम बोलना चाहें तो उसको उस टर्म में भी बोल सकते हैं, the American dollar. Where does the error lie? Error किस पार्ट में है सेंटेंस के आपको बताना है। Where does the error lie? Question number 302, error कहाँ पे, किस पार्ट में है सेंटेंस के? ओके, रिया कह रही है टू में एरर है, स्नेहा कह रही है टू में एरर है, ओके, आकांक्षा कह रही है टू में एरर है, हु एल्स, कौशल कह रहे हैं टू में एरर है। चलिए टू में एरर क्या है ये भी बताइए आप लोग, टू में एरर क्या है ये भी बता दीजिए। टू में एरर क्या है, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आपको क्या लगता है एरर क्या है टू में। Developed, okay. Countries की list की अगर बात करें तो least developed, developed, developed country या developed, least developed city, developing, Delhi is a developing city. तो क्या हम इस तरह से term, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज अटैच नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल अटैच कर सकते हैं, राइट। द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर वन। एरर क्या है वन में? सिंस द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन करेंसीज ऑफ, किसकी करेंसीज, एक किसी एक कंट्री की करेंसी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, करेंसीज बोल रहे हैं, बहुत सारी करेंसीज, कहाँ कहाँ की, लीस्ट डेवलप्ड की, डेवलपिंग की, इमर्जिंग इकोनॉमीज की, राइट, barring a few exceptions have been constantly depreciating with reference to, अगर हम बात करें या example दे तो जैसे कि American dollar, right? So the currency word is incorrect over here. We need to use a plural term here. चलिए next. Climate research largely financed by the US pushed models focused on production sectors ignored the energy and use sectors or consumption which was now responsible for 2/3 of the emissions.
नो एरर, वेयर डज द एरर लाई? वेयर डज द एरर लाई? क्वेश्चन नंबर 303, आपको बताना है एरर किस पार्ट में है सेंटेंस के। ओके 303 में सब कह रहे हैं 4 में एरर है, 4 में क्या एरर है? देखिए, क्लाइमेट रिसर्च लार्जली फाइनेंस्ड बाय द यूएस पुश्ड मॉडल फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन सेक्टर्स, ठीक है, फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन सेक्टर्स। ओके क्या एरर है 4 में? एरर क्या दिख रहा है आपको? Which was now responsible, जो अब responsible है for 2/3 of the emissions, ठीक है? So 2/3 ही बोलते हैं ना, जब हम 1/5 बोलते हैं तो 1/5 लिखते हैं, बोलते 1/5 है लेकिन लिखते 5th है। उसी तरह से 2/3 अगर बोलते हैं तो 2 लिखते हैं लेकिन 3rd में plural form लिखते हैं 2/3। अगर 2 और 3rd लिख देंगे तो दोनों तो सेम ही मीनिंग हो जाएगी ना, एक ऑर्डिनल और एक नॉन ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून नेहा, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्लाइमेट रिसर्च जो है उसको लार्जली फाइनेंस किया गया यूएस द्वारा, ठीक है, बाय द यूएस। उन्होंने पुश किया मॉडल्स जिसने फोकस किया प्रोडक्शन सेक्टर्स में, क्या इग्नोर करते हुए? एनर्जी एंड यूज सेक्टर्स इग्नोर करते हुए या फिर कंजम्पशन इग्नोर करते हुए जो अब 2/3 है एमिशन का, ठीक है? तो इग्नोर्ड नहीं होगा, इग्नोरिंग। उन्होंने ऐसा किया कंटिन्यूअसली जिसका रिजल्ट है एमिशन, 2/3 ऑफ द एमिशन, राइट? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर 3। इट विल नॉट बी इग्नोर्ड, इट विल बी इग्नोरिंग। ओके इट्स ओके नेहा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Relatives with no qualifications, whatever for public life are used to reserve the chair for leaders who are not able to continue in office for a variety of reason, most of them legal. Political terms में ये बोला जा रहा है, nepotism के तौर पे ये बोला जा रहा है। तो अब आप बताइए यहाँ पे error किस part में है? Relatives with no qualification, whatever for public life are used to reserve the chair for leaders who are not able to continue in office for a variety of reasons, most of them legal. Where does the error lie? आपको बताना है question number. अच्छा आकांक्षा ने 3 बोला था, sorry आकांक्षा, I missed that. Really sorry for that. Okay, चलिए 304 question में बताइए error कहाँ पे है? ओके सभी कह रहे हैं 3042 होगा। चलिए आइए देखते हैं 3045। रिया कह रही हैं, अक्षय कह रहे हैं 2 में एरर है। आइए देखते हैं 2 में क्या एरर है। आर यूज्ड रिलेटिव्स, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं रिलेटिव्स की, प्लूरल हैं,
क्वालिफिकेशंस प्लूरल हैं, फॉर पब्लिक लाइफ क्वालिफिकेशंस आर यूज्ड टू रिजर्व द चेयर, फॉर लीडर्स लीडर्स प्लूरल हैं, द के साथ चेयर लगा है, बिल्कुल सही. हु आर नॉट, यहाँ पे भी आर लगा है, यहाँ पे भी आर लगा है. तो लीडर्स हु आर नॉट एबल टू कंटिन्यू इन ऑफिस फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस प्लूरल है, मोस्ट ऑफ देम, देम भी प्लूरल है, लीगल, राइट. सो दिस इज तो एनी वेज करेक्टली यूज. द रॉन्ग पार्ट इज ऑप्शन नंबर, ओके जस्ट अ सेकेंड, द रॉन्ग पार्ट इज ऑप्शन नंबर दिस. Whatever, whatever क्यों use करेंगे यहाँ पे? Why will I use whatever in this part? I can use whatsoever. जो भी qualification हो उनकी, right? Whatsoever, जो भी qualification हो उनकी, whatever, कुछ भी या जो भी qualification हो, में अंतर है ना? Relatives, बिना किसी qualification के, जो भी public life यूज करती है उनको चेयर चेयर रिजर्व करने के लिए, या फिर जो भी, मतलब ये डिफरेंस आपको समझना होगा व्हाटसोएवर और व्हाटएवर के बीच का, राइट. सो यहाँ पे व्हाटसोएवर इज मोर अप्रोप्रिएट देन व्हाटएवर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हैव ऑलवेज सॉट टू मेक सेंस ऑफ द वेरिएबल टू सीक एक्सप्लेनेशंस फॉर Why the gods seem to bless or curse humanity through offering them either benign or malign weather. Where does the error lie? People have always sought to make sense of the variable to seek explanation for why gods seem to bless or to curse humanity through offering them either benign or malign weather. No error. Where does the error lie? Question number 305. Error कहाँ पे, किस पार्ट में होगा आपको बताना है. You have got few minutes to answer this question. जितने लोग भी session को देख रहे हो, I would request each one of you to please like, share and subscribe the channel and also like this session. Do hit the bell icon so that you get the notifications and hit the like button also for the session. Okay, Riya keh rahi hai 4 mein error hai, Akansha keh rahi hai 2 mein error hai. Okay. 2 mein error kya hai? Write down your errors also. ये question थोड़े मैंने एक upgraded level मैंने दिया है आपको, तो थोड़ा आप errors भी बताते चलिए साथ में, ताकि मुझे पता चले आपको clarity है, thought grammar sense में clarity आ रही है या नहीं आ रही है. ऋषभ कह रहे हैं 2 में error है. चलिए, People have always sought to make sense of the variable. लोग हमेशा variable जो होता है, लोग हमेशा variable का sense निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें explanations मिल सके कि जो भगवान होते हैं, क्यों भगवान bless करते हैं या curse करते हैं humanity को, humanity को curse करते हैं या bless करते हैं, किसके द्वारा, offering them, किसके द्वारा, ऑफरिंग देम इधर बेलिग्न, या तो बेनिफिशियल ब्लेसिंग या फिर मेलिग्न या फिर कर्स के तौर पे, ठीक है. सो द एरर लाइज हियर इज ऑप्शन नंबर 3. यहाँ देम किसको रेफर किया जा रहा है? क्या हम ह्यूमैनिटी को देम बोल सकते हैं? इफ यस देन तो आपका आंसर सही है, बट आई डोंट थिंक सो. ह्यूमैनिटी पीपल को बोला जा रहा है, ह्यूमैनिटी लोगों को बोला जा रहा है. ह्यूमैनिटी के लिए देम प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं यूज कर सकते. सो ह्यूमैनिटी के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी विल यूज अ प्रोनाउन इट, वी विल यूज अ प्रोनाउन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एज द साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्ट्रगल टू गैदर क्लूज इन मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ हेयर चॉपिंग इन चावला, अ 50-year-old विमेन्स हेयर्स वर कट इन हर हाउस इन पालम.
वेयर डज द एरर लाई, बहुत ही छोटा स्लाइट सा और छोटा सा एरर है, बहुत ही कॉमन कॉमन एरर है, एकदम कॉमन एरर है। सेंटेंस के सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए और एकदम छोटा सा एरर है, ऐसे यू मिल जाएगा आपको ये एरर। इवन एज द साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्ट्रगल टू गैदर क्लूज इन मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ हेयर चॉपिंग इन चावला, अ 50-year-old विमेन्स हेयर्स वर कट इन हर हाउस इन पालम। Where does the error lie? Question number 306. 306, three में error है, okay, three में error है। चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे error कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे error दो चीजों में, एक तो three में भी है और एक four में भी है। क्या error है? A 50-year-old है ना, तो A 50-year-old जब हम बोल रहे हैं तब हम क्या बोल रहे हैं? Old woman's hair was cut. This will be the correct answer of the following. हम कभी भी hairs नहीं बोलते हैं, हम हमेशा hair बोलते हैं, right? हम hairs नहीं बोलते हैं, हम hair बोलते हैं। This will be the correct answer of the following question. Next question. Food and Civil Supplies Minister has directed officials to carry out inspections in wholesale markets to keep prices of tomatoes in control by curbing hoarding of these items. Error कहाँ पे, किस पार्ट में है? चलिए मैं आपको बताती हूँ, एक एक करके हम लोग देखते हैं सेंटेंस, ठीक है? फूड एंड सिविल सप्लाईज नाम होता है, करेक्ट। मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया, तो मिनिस्टर एक ही होता है, उन्होंने डायरेक्ट किया। किसको किया भाई? ऑफिशियल्स को किया। क्या करने के लिए किया? कैरी आउट करवाने के लिए किया। क्या कैरी आउट करवाया? इंस्पेक्शंस करवाया, ठीक है? कहाँ करवाया? होलसेल मार्केट्स में करवाया, तो मार्केट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। ताकि वो प्राइसेस, टू कीप प्राइसेस, ताकि वो प्राइसेस, किसके प्राइसेस? टोमेटोज के प्राइसेस को इन कंट्रोल, इन कंट्रोल कर सकें। बाय किस किस तरीके से कर सके? कर्बिंग, कर्ब करके, मतलब निकाल के, जैसे इन्फ्लेशन कर्ब किया जाता है ना। होर्डिंग ऑफ दीज आइटम्स, इन आइटम्स के, इन आइटम्स की होर्डिंग्स को कर्ब करके, राइट? तो वो उन्होंने क्या किया? इन कंट्रोल करने की कोशिश की या अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश की? इन कंट्रोल रखने की कोशिश की या अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश की? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी अंडर कंट्रोल एंड नॉट इन कंट्रोल, राइट? So the correct answer to this question is option number 3. The error is in option number 3 of the question number of question number 307. Food and civil supply nahi hota hai. It is called food and civil supplies. It is correctly used here. Chaliye, next question. Apple's inclusive India plans are set to get bigger with US based technology company looking to scale up manufacturing in the country, developing localized feature on its operating system and set up its own retail outlets. No error. Where does the error lie? In question number 308. Apple का जो inclusively India का plans है, India में जो भी प्लान्स वो लेके आते हैं, आर सेट टू गेट, सेट कर दिया गया, प्लान्स है तो प्लान्स की जगह आर लगा है, सेट कर दिया गया है, किस लिए? टू गेट, क्या गेट? बिगर, बड़ा, बड़ा मतलब बड़े से थोड़ा ज्यादा बड़ा है ना, विथ यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी, किसके साथ? यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। कंपनी लुकिंग टू स्केल अप, ताकि कंपनी स्केल अप कर सके, मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, विच कंट्री? इंडिया, ठीक है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, डेवलपिंग, डेवलप करते हुए लोकलाइज्ड फीचर को उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड सेटअप में इन रिटेल आउटलेट्स। तो इंडिया प्लान्स आर सेट टू गेट, सेट टू गेट मतलब ये लेने की सोचे हैं, है ना, कि ये हमें मिलना चाहिए।
ऐसा उन्होंने सोचा है, ये इनका प्लान है, बट अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ है ये प्लान, अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ है प्लान। लुकिंग टू स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, डेवलपिंग लोकलाइज फीचर ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेटअप इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स, वेयर डज द एरर लाई? ओके, ऑप्शन नंबर थ्री में एरर है। थ्री में क्या एरर है बताइए आकांक्षा, आपने कहा थ्री में एरर है, वेरी गुड बच्चे, एरर थ्री में ही है बिल्कुल। एरर कहाँ है? स्केल अप करने के लिए देख रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए देख रहे हैं, उसी तरह से डेवलप किया नहीं है अभी। डेवलप करने के लिए लोकलाइज फीचर को क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं रिटेल आउटलेट्स में, राइट? अभी डेवलप हुआ नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, राइट? So the correct answer will be develop localized feature. Next question: the cotton crop in parts. Sorry, I think ये दो बार repeat हो गया है by mistake. Ignore this part. Okay. The cotton crop in parts of Gujarat, Andhra Pradesh and Maharashtra has come under pink bollworm attack as there is an erosion of resistance to the pest in some transgenic varieties. No error, where does the error lie? Cotton crop जो है गुजरात, गुजरात के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में has come under, cotton crop has come, ठीक है, यहाँ पे हैज कॉटन क्रॉप के लिए लगा है, गुजरात आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र के लिए नहीं लगा है। कॉटन क्रॉप हैज कम अंडर पिंक बॉलवॉर्म अटैक एज देयर इज एन इरोजन ऑफ रेजिस्टेंस टू द पेस्ट इन सम ट्रांसजेनिक वेराइटीज। कुछ ट्रांसजेनिक सम लगा हुआ है इसीलिए वेराइटीज दिया है, वेराइटीज में प्लूरल है तो वो सही है बिल्कुल। अब बताइए एरर कहाँ पे है या फिर नो एरर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Which of the following will be the answer of question number 309? Where does the error lie? आप बताना है एरर कहाँ पे है? Yes, it's a no error question, Neha. Very good. चलिए next question. Number of transactions on the UPI platform has surged over the last year from just over 1 lakh last September. It crossed the 1 crore mark this July. No error. Where does the error lie? Number of transactions on the UPI platform has surged over the last year from just over 1 lakh last September. It crossed the 1 crore mark this July. Very well written. Bataiye error kahan pe hai? Whenever we use number of, hai na? To number of ke saath hum hamesha ya to the lagate hain ya to a lagate hain. Jab hum a ka use karte hain, hamare sare verb kya ho jate hain? प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन जब हम द का यूज करते हैं हमारे सारे वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका वर्ब सिंगुलर है, राइट? वर्ब सिंगुलर है, सो इस केस में आई विल यूज द बिफोर नंबर। द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द यूपीआई प्लेटफॉर्म हैज सर्ज्ड, सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। A parliamentary panel on the Indian Railways has counseled the centre not to consider the national transport as a commercial undertaking when asking the government. Where does the error lie? Question number 311. Error kahan pe hai? Thank you.
ओके, वन में एरर है, आकांक्षा कह रही है। आकांक्षा, वन में क्या एरर है बताइए। अ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन द इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज ही बोला जाता है, इंडियन रेलवे नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप ये मत कंक्लूड कीजिएगा कि वहां हैव हो जाएगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल के लिए लग रहा है ना, पैनल तो एक ही होता है, उस पैनल में बहुत सारे लोग हों तो कोई बात नहीं। डेफिनेटली लाइव हूँ, लाइव ही बात कर रही हूँ। हाय नेहा, ओके, स्नेहा कह रही है वन में एरर, नेहा कह रही है वन में एरर, वन में एरर क्या है ये बताइए। अ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन द इंडियन रेलवेज हैज काउंसिल्ड द सेंटर नॉट टू कंसिडर द नेशनल ट्रांसपोर्टर अ कमर्शियल अंडरटेकिंग व्हेन आस्किंग द गवर्नमेंट वेयर डज द एरर लाई। बताइए वन में एरर क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज द एरर इन वन, व्हाट डू यू सी एज एरोनियस पार्ट। एन इंडियन, द इंडियन रेलवेज होता है ना, इंडियन रेलवेज क्या है, किसी व्यक्ति को थोड़ी बोल रहे हैं, इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूपीएससी है तो क्या बोलोगे, एन यूपीएससी, एन यूपीएससी थोड़ी बोल सकते हैं। द एरर इज इन ऑप्शन नंबर फोर, व्हाइल आस्किंग द गवर्नमेंट, नॉट व्हेन आस्किंग द गवर्नमेंट, व्हाइल आस्किंग द गवर्नमेंट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन द इंडियन रेलवेज हैज काउंसिल द सेंटर नॉट टू कंसिडर द नेशनल ट्रांसपोर्टर अ कमर्शियल अंडरटेकिंग व्हाइल आस्किंग द गवर्नमेंट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। There may be as much as 100 million black holes in the Milky Way galaxy, according to scientists, including one of Indian origin, who conducted a cosmic survey to calculate and categorize the enigmatic dark objects. Where does the error lie? बहुत ही कॉमन एरर है, बहुत ही छोटा सा वर्ब का एरर है, बताइए एरर कहाँ पे है इन क्वेश्चन नंबर 312, 312 में एरर कहाँ पे, किस पार्ट में है, वेरी वेरी कॉमन एरर। देयर मे बी एज मच एज 100 मिलियन ब्लैक होल्स in the Milky Way galaxy, according to scientists, including one of the Indian origin, who conducted a cosmic survey to calculate and categorize the enigmatic dark objects. Where does the error lie? Yes, very good, Akansha. The correct answer to this question is the error is in option number 4. 4 mein error kya hai? To calculate and to categorize the enigmatic dark objects. This will be the correct answer. Okay. Next, at a time when smartphones have been getting bigger and feature packed, we are also seeing a slow partial revival of feature phones that just do the basics. No error. Where does the error lie?
वेयर इज द एयरलाइन, क्वेश्चन नंबर 313। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने लोग भी सेशन को देख रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब चैनल। वेरी गुड ऋषभ, करेक्ट आंसर द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 2। एट अ टाइम व्हेन स्मार्टफोन्स हैव बीन गेटिंग बिगर एंड फीचर्ड पैकेजिंग, वी आर ऑल्सो सीइंग अ स्लो पार्शियल फीचर्ड पैकेजिंग। We are also seeing a slow partial revival of feature phones that just do the basics. The error is in option number 2. Next question. 3 नहीं होगा, 2 होगा। यहाँ पे feature phones बिल्कुल सही है। Feature phones, phone का जो feature होता है ना, feature phones। Feature phones एक तरह से simple phones को भी बोलते हैं। Feature phones, smartphones, feature phones, ठीक है? तो जैसे smartphones होता है, वैसे feature phones भी होता है। तो feature phones यहाँ पे 3 number option में बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेशन फॉर एलिगली पेइंग देयर फीमेल एम्प्लॉइज लेस देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स, गूगल वॉज हिट विद अनदर एलिगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नोवेयर वेयर डज द एरर लाई। बहुत ही छोटा सा स्लाइटेस्ट एरर है, आपको बताना है एरर कहाँ पे, किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में है। क्वेश्चन नंबर 314, वेयर डज द एरर लाई। टू में एरर है, ओके वेरी गुड। यहाँ पे जब लिखा हुआ है देयर मेल काउंटर पार्ट, तो यहाँ पे टी एच ई आर ई नहीं लिखा होगा, यहाँ पे भी लिखा होगा टी एच ई आई आर, देयर फीमेल एम्प्लॉइज। द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 2, वेरी गुड। अजय त्यागी हु हैज ओनली रिसेंटली बिकम द सेबी चेयरमैन नीड्स टू एंश्योर दैट ही हैज द राइट सेट ऑफ एडवाइजर्स हु गाइड हिम इन एग्जीक्यूटिंग हिज ड्यूटीज, वेयर डज द एरर लाई। क्वेश्चन नंबर 315। क्वेश्चन नंबर 315, एरर किस पार्ट में है सेंटेंस के आपको बताना है। गाइड्स होगा यहाँ पे। हु गाइड्स हिम, हु तो कोई भी हो सकता है ना, हु तो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो व्यक्ति भी हो सकता है। एडवाइजर्स लिखा हुआ है, सेट ऑफ एडवाइजर्स हु गाइड, तो यहाँ पे तो प्लूरल ही होगा, तब उस हिसाब से एडवाइजर्स के हिसाब से तो प्लूरल ठीक है, क्योंकि जो एडवाइजर्स होंगे वो एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, और यहाँ पे लिख दिया है एडवाइजर्स, तो हु गाइड, who guide him in executing his duties, तो वो लोग guide करेंगे। who is referred to whom, set of advisors, तो यहाँ पे plural verb लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। the error is in option number 1, what is the error, अजय त्यागी who has recently become, हमें only लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है, right? चलिए next। During the course of my stay, the Iraqi embassy located in the heart of Kabul was attacked by the ISIS in revenge for the ISIS defeat in Mosul by the Iraqi army. No error. Where does the error lie? Yeah.
अजय त्यागी, हु हैज के साथ आप क्या लगाएंगे? V2 या V3? तो V3 लगा हुआ है, करेक्ट। सॉरी, बिकम होगा ना, बिकम, बिकेम एंड फिर बिकम, सो उस हिसाब से करेक्ट। चलिए बताइए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई स्टे द इराकी एम्बेसी लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ काबुल वॉज अटैक्ड बाय द ISIS इन रिवेंज फॉर द ISIS defeat in Mosul by the Iraqi army. Where does the error lie? Error कहाँ पे है बताइए? Question number 316. ओके, आकांक्षा कह रही है 3 में एरर है, अरोमल कह रही है, कह रहे हैं 2 में एरर है। ओके, एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3, राइट, एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3। एरर क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई स्टे द इराकी एम्बेसी लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ काबुल वॉज अटैक्ड बाई द ISIS, ठीक है। द इराकी एम्बेसी इन रिवेंज नहीं होगा, फॉर रिवेंज ऑफ द ISIS डिफीट इन मोसूल बाय इराकी। आप इस सेंटेंस के बाद कनेक्ट कीजिए इसको। यहाँ पे जो बीच में ये चीजें दी हुई हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप इराकी एम्बेसी के बाद जस्ट इस सेंटेंस को कनेक्ट कीजिए, तो क्या आप इन रिवेंज लिखेंगे? नहीं, आप लिखेंगे फॉर रिवेंज ऑफ द, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। द इंश्योरेंस रेगुलेटर हैड ऑन जुलाई 28, द इंश्योरेंस रेगुलेटर had on July 28 asked private sector life insurer ICICI Prudential Life to overtake the business of Belgiard Sahara Life on or before 21st September. No error. Where does the error lie? Bahut hi easy error hai, bahut hi easy and easy to understand wala error hai. Bataiye error kahan pe, kis part mein hai? सोचिए जरा, सेंटेंस को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा एरर कहाँ पे है। यस, वेरी गुड, 317 द एरर इज, अंकित ने सही आंसर दिया, द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 1। हैड का यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं हमें हैड यूज करने की, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं द इंश्योरेंस रेगुलेटर ऑन जुलाई 28 आस्क्ड प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ टू ओवरटेक द बिजनेस ऑफ बेलगियर्ड सहारा लाइफ ऑन और बिफोर सेप्टेम्बर 21। वेरी गुड, when the passenger who was served the biryani with the lizard complained to the railway staff on board, he did not got a proper response. Error bataiye. When the passenger, oh god, I just can't even read this sentence, like I'm feeling so pukish right now by reading this sentence. Anyways, please tell me where does the error lie. I'm not going to reread it again.
आप लोगों को या कांट थिंक ऑफ बिरयानी नाउ सीरियसली। आप लोगों को एक चीज पता होगी, डिड के साथ कभी भी वी टू नहीं लगता है। डिड डू डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इजंट इट? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट गेट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 4। द ऑथर सजेस्ट दैट इट मेक्स मोर सेंस टू रेस प्लेयर्स पे देन टू रिस्क लूजिंग देम एंड पे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांसफर फी। नो एरर, वेयर डज द एरर लाई? बहुत सारे ऑथर्स ने सजेस्ट किया इट मेक्स मोर सेंस टू रेस प्लेयर्स पे देन टू रिस्क लूजिंग देम एंड पे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांसफर फी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एरर? एरर कहाँ पे, किस पार्ट में है मैं बताती हूँ आपको। देखिए एंड लिखा हुआ है ना, तो जब भी एंड या कोई भी कंजंक्शन लिखा हो, कंजंक्शन के पहले वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके बाद वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमेशा चेक कीजिए। तो जब यहाँ पे लूजिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे होगा पेइंग एस्ट्रोनॉमिकल फीस। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑथर्स ने, बहुत सारे ऑथर्स ने ये सजेस्ट किया, ये करेक्ट है। क्या सजेस्ट किया कि इट मेक्स मोर सेंस टू रेज प्लेयर्स पे देन टू रिस्क लूजिंग देम एंड पेइंग एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांसफर फी। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट। शॉर्ट स्टोरी चैलेंजेस द रीडर्स टू क्वेश्चन देयर प्री ऑक्यूपाइड नोशंस ऑफ बिलीव एंड ऑल्सो अर्जेस देम टू गो बिहाइंड द कॉमन प्लेस अजम्पशंस। वेयर डज द एरर लाई इन दिस क्वेश्चन? एरर कहाँ पे है, किस पार्ट में है क्वेश्चन के? Short story challenges the readers to question their preoccupied notions of belief and also urges them to go behind the commonplace assumptions. No error, where does the error lie? Where does the error lie? ओके, सभी कह रहे हैं वन में एरर है। वन में क्या एरर है भाई? 320 के वन में क्या एरर है? आकांक्षा बताइए, स्नेहा बताइए, सचिन बताइए, कॉलिन्या, नेहा बताइए, समा बताइए, क्या एरर है वन में? अगर आप लोगों को वन में एरर लग रहा है तो वन में क्या एरर है? अगर यहाँ पे स्टोरीज लिखा होता, शॉर्ट स्टोरीज लिखा होता तो चैलेंज नहीं लिखा, चैलेंजेस नहीं लिखा होगा। Short stories challenge the readers to question their preoccupied notions of belief and also urges them to go behind the commonplace assumptions, right? Very good. The correct answer is option number 1. The error is in option number 1. यहाँ पे सिर्फ story नहीं होगा, कोई एक story थोड़ी है, a short story हो सकता था, but सिर्फ short story नहीं होगा। So क्या लिखेंगे हम? Short stories, और क्योंकि stories plural हो जाएगी तो यहाँ पे challenges की जगह पे challenge. Short stories challenge the readers will be the correct answer. Next question. Okay. On the one hand, clients want more and more customization, while on the other hand, the supply chain is getting disrupted owing to the emergence of newer channels. No error. Where does the error lie? आपको बताना है error किस part में है sentence के? Where does the error lie? जल्दी से बताइए, एरर कहाँ पे, किस पार्ट में है? ओके, चलिए मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे क्या एरर होगा। इज गेटिंग वॉट? इज गेटिंग डिसरप्ट।
नो इज गेटिंग डिसरप्टेड। ऑन वन हैंड क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, दूसरे हैंड पे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहा है ओइंग टू द इमर्जेंस ऑफ न्यूअर चैनल्स। ओके दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी, देयर व्हेनेवर आई टेक दीज सेशंस आई ऑलवेज प्रोवाइड पीडीएफ, सो यू कैन गो एंड ग्रैब इट फ्रॉम देयर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज करेंटली एट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल एंटरिंग द सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपैंड। पीपल यंग पीपल एंटरिंग द सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपैंड, वेयर डज द एरर लाई बताइए। 322 एरर कहां पे है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द सेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो लाइक द चैनल एज वेल। सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ योर फेवरेट एजुकेटर्स व्हेन दे कम लाइव। You can also follow me on an academy by typing my name ANCHALSING H. This is Achal Singh and you are watching me here at Wi-Fi Study Bank Exams. चलिए बताइए एरर कहाँ पे है। इंडिया इज करेंटली एट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल पीपल राइट क्या बोलते हैं पीपल आर पीपल इज जो भी बोलते हैं एंटरिंग द सर्विस द सर्विस। तो यहाँ सर्विस मेरे लिए क्या हो गया सिंगुलर या प्लूरल। सर्विस मेरे लिए सिंगुलर हो गया। सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपैंड नो सिंगुलर के साथ वी विल गो विथ सिंगुलर वर्ब वी विल से कंटिन्यूज टू एक्सपैंड। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। Higher education is the very important sector for short and long term economic growth and development of human resources which can take responsibility for social economic scientific development of the country. Where does the error lie? Higher education is the very important sector for short and long term economic growth and development of human resources which can take responsibility for social economic and scientific development of the country. No error. Ya fir higher education is a very important sector. वेरी के साथ क्या हम द का यूज कर सकते हैं। थिंक एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 323 बताइए क्या होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर वेरी गुड स्नेहा द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 हैज एन एरर। यहां पे हम वेरी के साथ द नहीं लगाएंगे ए लगाएंगे। हायर एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। द किसके साथ लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ राइट सुपरलेटिव के साथ पॉजिटिव डिग्रीज के साथ नहीं लगाते हैं है ना। जब तक हम उसको स्पेसिफाई ना कर दें मतलब कोई स्पेसिफिक चीज हो तभी हम लगाएंगे डेफिनेट चीज हो तभी द का यूज करेंगे अदरवाइज हम ए वेरी लगाएंगे राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। लेकिन एग्जैक्टली हायर एजुकेशन में अगर किसी पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड की बात कर रहे हो तब हम वहां पे द वेरी बोल सकते थे बट हम तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे इसीलिए अ वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द टेलीकॉम रेगुलेटर इशूड अ कंसल्टेशन पेपर सीकिंग इंडस्ट्रीज कमेंट्स ऑन द इशू द कॉम्पिटिशन कमीशन आस्क द फॉर्मर टू कीप ऑफ द लैटर स्टर्फ एंड रिफ्रेन फ्रॉम लेइंग आउट रूल्स ऑन प्रीडेटरी प्राइसिंग बाय द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 324 वेयर डज द एरर लाई। आफ्टर मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रीड करती हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए आपको ठीक है। आफ्टर द टेलीकॉम रेगुलेटर इश्यू होने के बाद एक कंसल्टेशन पेपर सीकिंग इंडस्ट्रीज कमेंट्स एक कंसल्टेशन पेपर इंडस्ट्रीज का कमेंट्स ले रहा था ठीक है। इंडस्ट्रीज का कमेंट्स ले रहा था इंडस्ट्री का या फिर इंडस्ट्रीज का सेम इश्यू पे द कंपटीशन जो कंपटीशन कमीशन था उसने पूछा फॉर्मर से पहले वाले से पहली इंडस्ट्री वाले से जो कमेंट कर रहा होगा उससे पूछा टू कीप ऑफ द लैटर स्टफ। टू कीप ऑफ मतलब इसको आप अलग रखिए बाद वाले का जो टर्फ है बाद वाले का जो प्रॉब्लम है जो मतलब घमासान जैसा कोई कमेंट है उसको बाद में रखिए एंड रिफ्रेन और निकालिए रिफ्रेन कीजिए फ्रॉम
लेइंग आउट रूल्स, लेइंग आउट द रूल्स आर लेड आउट और द रूल्स आर लेड डाउन। द रूल्स किस चीज पे रूल्स लेड आउट या लेड डाउन करेंगे? प्रीडेटरी प्राइसिंग पे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने निकाली है, इश्यू की है इस कंसल्टेशन पेपर में, राइट? तो द करेक्ट आंसर, द एरर इज इन ऑप्शन नंबर थ्री, द एरर विल बी लेइंग डाउन रूल्स। ओके, इट विल नॉट बी लेइंग आउट, द करेक्ट आंसर विल बी लेइंग डाउन रूल्स। The decision to knock off designations and replace them with the specific functions of employees was intended to make their performance tracking more transparent. Which of the following has an error? The decision to knock down designation, कुछ designations को हटाने का जो decision था और replace करने का, and replace them with the specific functions of employees, employees की specific functions को हटाने का जो एक decision था, was intended to make their performance tracking more transparent. वो इसलिए बनाया गया था ताकि employees की जो performance हो रही है, employees की जो performance है, उसका जो tracking record है, वो थोड़ा और transparent और clear हो सके। तो बताइए error कहाँ पे है? Question number 325. This is the final question of this session of this day. Where does the error lie? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेशन को भी ढेर सारा लाइक करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लाइक्स के थ्रू कि भाई आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है सेशन, और ऐसे कई सारे सेशंस हम लेके आएंगे आपके साथ। डेफिनेटली अभी 500 सीरीज चल रही है तो 500 सीरीज तो हमें कंप्लीट करनी ही है, बट आई होप धीरे धीरे आप भी लर्न कर रहे हैं, काफी सारी चीजें आपको पता चल रही हैं, आप सीख रहे हैं इस सेशन से, राइट? आंचल मैम को फॉलो करने के लिए अनअकैडमी पे आप मुझे जाके फ्री क्लासेस में फॉलो कर सकते हैं, फ्री क्लासेस के लिए फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेशंस करते ही हैं, आप यहाँ पे भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। द डिसीजन टू नॉक ऑफ डेजिग्नेशंस और रिप्लेस देम विद स्पेसिफिक फंक्शंस, रिप्लेस देम के जगह पे क्या होना चाहिए? रिप्लेस इट विद द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज वॉज इंटेंडेड टू मेक देयर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर टू। वेरी वेरी गुड, हूएवर हैज आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन द सेशन गाइज, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू पीपल ओवर हियर। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द सेशन। सी यू गाइज इन इन टुमारो सेशन, जहां पे हम डे 14 करेंगे। नाउ द डे 14, द डे 14 विल बी फ्रॉम 326 टू 350। ओके, so see you guys tomorrow. Till then, take care, goodbye, have a good day, and very very happy chat.